हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन। आज हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि। पिछले वीडियो में हमने वाष्पोत्सर्जन के डेफिनेशन एंड टाइप की स्टडी किया था। इस वीडियो में हम वाष्पोत्सर्जन की मैकेनिज्म देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होता है, अतः वाष्पोत्सर्जन का तात्पर्य रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन से होता है। वाष्पोत्सर्जन जो है वो फोर टाइप का होता है, जिसमें से हमने देखा था कि सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन रंध्र के माध्यम से हो रहा था। तो हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि देखेंगे। पहले हम रंध्र की संरचना देखते हैं, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। एंड जो वाष्पोत्सर्जन है, इसके लिए कई थ्योरी है जिसे हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं रंध्र की संरचना। हरे तनों तथा पत्तियों की बाह्य त्वचीय पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। जो हरे तने होते हैं पौधे के, उस हरे तने और पत्ती की बाह्य त्वचा पर, हरे तने और पत्तियों की जो बाह्य त्वचा होती है उस पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रत्येक छिद्र दो वृत्ताकार किडनी सेफ्ट द्वार अथवा रक्षक कोशिका। सो फ्रेंड्स, जो प्रत्येक स्टोमेटा होगा, प्रत्येक छिद्र होगा, वो दो वृत्ताकार या किडनी सेफ, वृत्ताकार बोले तो किडनी सेफ द्वार अथवा रक्षक कोशिका या गार्ड शेल से घिरा रहता है। द्वार कोशिका की अंदर छिद्र की ओर की भित्ति जो होगी वो मोटी होगी एवं स्थिर होगी, नॉन इलास्टिक होंगी, तथा बाहर की भित्ति पतली एवं लचीली या फिर इलास्टिक होती है। इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। आप लोगों को डायग्राम शो हो रहा होगा। ये जो डायग्राम है, ये स्टोमेटा का डायग्राम है। स्टोमेटा जो है वो टू टाइप्स होता है, एक तो बंद स्टोमेटा भी हो सकता है या फिर खुला हुआ स्टोमेटा भी हो सकता है। बंद स्टोमेटा में जो स्टोमेटल पोर होगा, ये वाला जो पोर होगा स्टोमेटल पोर कहलाता है, ये जो है वो बंद रहता है क्लोज स्टोमेटा में। एंड ओपन स्टोमेटा में जो छिद्र पोर होता है वो खुला रहता है। अब जो स्टोमेटा होगा वो क्या होता है, गार्ड सेल या रक्षक कोशिका जो किडनी सेफ्ट की होती है उससे घिरा होता है। तो ये वाली जो होगी परत, हम इसे गार्ड सेल कहेंगे या रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका भी कहते हैं। अब द्वार कोशिका के अंदर वाला भाग जो होता है, द्वार कोशिका के अंदर वाला भाग कैसा होता है, ठीक होता है, मोटा होता है और नॉन इलास्टिक होता है। ये जो भाग दिख रहा है ये इनर भाग है स्टोमेटा का, जो ठीक है यानी मोटा है और नॉन इलास्टिक होगा। और गार्ड शेल का जो बाहर वाला भाग होता है, आउटर वाला भाग होता है, वो जो होता है वो थिन वॉल होती है, मतलब पतली होती है भित्ति इसकी। एंड ये जो होता है ये इलास्टिक होता है, लचीला होता है। ये स्टोमेटा के डायग्राम हैं। अब देखेंगे हम मैकेनिज्म, रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्फीति या टर्जिटी पर निर्भर करता है। सो फ्रेंड्स, जो रंध्रों का खुलना और बंद होना वो द्वार कोशिका की टर्जिटी स्फीति पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करेगा हम देखते हैं। द्वार कोशिका की स्फीति, द्वार कोशिकाओं की स्फीत होने पर रंध्र खुल जाएंगे, मतलब द्वार कोशिका जब स्फीट हो जाएंगी, टर्जिट हो जाएंगी, तब रंध्र खुल जाएंगे। और जब ये सलत हो जाएंगी, फ्लेसिट हो जाएंगी, तो रंध्र जो होगा वो बंद हो जाएगा। जब द्वार कोशिकाओं से संलग्न कोशिकाओं से अंतः पराश्रण द्वारा जल प्रवेश करता है, जिससे इनका स्फीति दाब बढ़ जाता है। हमने यहाँ देखा कि स्फीति जो है वो स्फीत होने पर रंध्र खुल रहा था। तो द्वार कोशिका स्फीत कैसे होगी, द्वार कोशिका से जब संलग्न कोशिका होंगे, मतलब एक द्वार कोशिका से जब दूसरी द्वार कोशिका जुड़ी होती है, तो द्वार कोशिका एक दूसरे से क्या करती है, अंतः पराश्रण द्वारा जल प्रवेश करेगा। मतलब एक द्वार कोशिका में दूसरी द्वार कोशिका से अंतः पराश्रण द्वारा जल जो है वो इंटर होता है, जिससे जिस कोशिका में जल प्रवेश करा है उसका स्फीति दाब या टर्जिट प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। अब क्या होगा, यह बाहर की पतली भित्ति पर दबाव डालता है। अब टर्जिट प्रेशर बढ़ गया है, तो ये बाहर वाली जो पतली भित्ति होंगी
बाहर की जो पतली भित्ति होती है, जो इलास्टिक होती है, उस पर दबाव डालता है, जिससे यह बहुत अधिक फैल जाती है। स्फीति दाब बढ़ गया तो प्रेशर बाहर की सेल पे पड़ेगा। अब बाहर की सेल पे पड़ा है तो क्या होगा, वो अधिक फैल जाएंगी। बाह्य भित्ति की बाहर की तरफ खींच जाने से बाहर वाली जो मोटी भित्ति होती है वो बाहर वाली मोटी भित्ति भी बाहर की ओर खींच जाती है और रंध्र जो है वो खुल जाता है। सो फ्रेंड्स, जो रंध्र है वो कैसे खुलेगा, स्फीति दाब पर निर्भर करेगा। जो रंध्र का खुलना या बंद होगा वो स्फीति दाब पर निर्भर करेगा। आगे देखते हैं, जब द्वार कोशिकाओं में स्फीति एवं स्फीति दाब कम होने लगता है तो वे शलत हो जाती है तथा दोनों भित्तियां अपनी पूर्व अवस्थाओं में आ जाती है और रंध्र जो है वो बंद हो जाता है। अब हम देखेंगे कुछ सिद्धांत है रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि के कुछ सिद्धांत है। फर्स्ट देखेंगे हम फोटोसिंथेटिक थ्योरी या प्रकाश संश्लेषी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि वॉन मोल जो है उन्होंने क्या बताया था कि दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा द्वार अथवा रक्षक कोशिकाएं में शर्करा एकत्रित होती है। दिन के समय फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन द्वारा क्या होता है, द्वार अथवा रक्षक कोशिकाओं में शर्करा या शुगर का जो है वो एकत्रित हो जाती है। शुगर एकत्रित होने के हो जाती है जिससे इनकी कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ जाती है। शुगर एकत्रित हो गई तो कोशिका की सांद्रता बढ़ जाएंगी तथा ये कोशिकाएँ अपनी समीपवर्ती कोशिकाओं से जल अवशोषित करके आसून हो जाती है, अतः रंध्र जो है वो खुल जाते हैं। रात में क्या होता है, रात में इसके विपरीत क्रिया होती है। रात में प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण शर्करा का निर्माण नहीं होता है तथा जो बन चुकी है वह भी रात में उपयोग कर ली जाती है या फिर मंड में परिवर्तित हो जाती है, जिससे रक्षक कोशिका की सांद्रता जो है वो कम हो जाती है, जिससे जल पाश वाली कोशिकाओं से चला जाता है, अतः रंध्र क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। ये प्रकाश संश्लेषी सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। यह सिद्धांत मान्य नहीं है। अब देखते हैं, ये सिद्धांत मान्य नहीं है तो इसके ऑब्जेक्ट देखते हैं कि क्यों ये सिद्धांत मान्य नहीं है। क्योंकि रक्षक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट या तो प्रकाश संश्लेषण करने के लायक नहीं होता अथवा बहुत कम प्रकाश संश्लेषण करता है, जिससे रक्षक कोशिका में आवश्यक सांद्रता प्राप्त नहीं की जा सकती है। जो गार्ड सेल है, जो रक्षक कोशिका है, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण करने में के लायक नहीं होता है, या फिर प्रकाश संश्लेषण उसमें होता भी है तो बहुत कम होता है। अब जब प्रकाश संश्लेषण बहुत कम हो रहा है तो शर्करा का निर्माण भी बहुत कम होगा। शर्करा का निर्माण कम होने से क्या होगा, रंध्र जो है वो खुलना और बंद होने की प्रोसेस भी बहुत कम होंगी। इसी कारण इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त नहीं है। अब हम देखेंगे स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत। स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत के अकॉर्डिंग तीन साइंटिस्टों ने जो है सिद्धांत दिए थे। तो उसमें फर्स्ट देखते हैं हम लॉयड सिद्धांत। लॉयड ने क्या बताया था कि जो द्वार कोशिका है, द्वार कोशिकाओं में फास्फोराइलेज एंजाइम पाया जाता है। लॉयड के अकॉर्डिंग क्या है कि द्वार कोशिका या गार्ड सेल में फास्फोराइलेज एंजाइम पाया जाता है जो अंधकार में घुलित शर्करा को अघुलित मंड में बदल देता है, अतः रक्षक कोशिकाओं का परासरण दाब बढ़ नहीं पाता है, अतः रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। लेकिन दिन के समय क्या हो रहा है, दिन के समय यह एंजाइम अघुलित मंड को घुलित शर्करा में बदल देता है, जिससे रक्षक कोशिकाओं का परासरण दाब बढ़ जाता है तथा रंध्र जो है वो खुल जाते हैं। ये जो सिद्धांत है फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, फास्फोराइलेज नामक एक एंजाइम है जो अंधकार में घुलित शर्करा को अघुलित मंड में बदल देता है, ये अंधकार में कर रहा है। लेकिन दिन के समय क्या हो रहा है, अघुलित मंड को ये क्या कर रहा है, घुलित शर्करा में बदल देता है, जिससे रक्षक कोशिका का परासरण दाब जो है वो बढ़ जाता है और रंध्र खुल जाता है। और जब ये अघुलित शर्करा को अघुलित मंड में बदलेगा तो परासरण दाब नहीं बढ़ नहीं पाता है और रंध्र जो है वो बंद हो जाता है। अब स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम दूसरा सिद्धांत देखेंगे, मतलब दूसरे साइंटिस्ट का सिद्धांत देखेंगे, स्कार्थ अथवा पीएच सिद्धांत। स्कार्थ और पीएच थ्योरी।
तो स्कार्थ नामक साइंटिस्ट ने पीएच सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये थ्योरी दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हो रहा है, द्वार कोशिकाओं में होने वाले मंड और शर्करा के परिवर्तन को नियंत्रित करने वाला एंजाइम इन कोशिकाओं के पीएच मान पर निर्भर करता है। मतलब जो मंड और शर्करा में परिवर्तन को नियंत्रित करने वाला एंजाइम होता है वो कोशिकाओं के पीएच मान पर निर्भर करते हैं। मतलब सेल का जो पीएच मान होगा उस पर निर्भर करेगा कि एंजाइम किस टाइप से मंड और शर्करा के परिवर्तन को नियंत्रित करता है। यदि द्वार कोशिकाएं जो है उनका पीएच अधिक क्षारीय होगा तो रंध्र खुलेगा, और अगर पीएच कम होगा यानी अम्लीय होगा तो रंध्र जो है वो बंद होगा। वो कैसे, स्टार्च है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इससे क्या बनना है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। तो अगर पीएच मान जो है वो क्षारीय होगा तो रंध्र जो होगा वो खुल जाएगा, और यदि पीएच मान जो है वो कम होगा, अम्लीय कब होता है, जब 5 होता है, अम्लीय होगा तो रंध्र बंद हो जाएगा। ये थ्योरी स्कॉर्थ ने दी थी। अब देखते हैं हम स्टीवर्ड सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है। स्टीवर्ड ने 1964 में ये थ्योरी दी थी। तो स्टीवर्ड के अनुसार द्वार कोशिकाओं का परासरण दाब तब तक परिवर्तित नहीं होगा जब तक कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट आगे चलकर ग्लूकोज तथा अकार्बनिक फॉस्फेट या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में परिवर्तित नहीं हो जाता है। द्वार कोशिकाओं का परासरण दाब तब तक परिवर्तित नहीं होगा कह रहा है यहाँ, जब तक कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट आगे चलकर ग्लूकोज तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में परिवर्तित नहीं हो जाता है। तब तक द्वार कोशिका के परासरण दाब में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। इन्होंने एक चार्ट दिया था, इसे देखते हैं। स्टार्च है, स्टार्च से क्या बनना है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, जो ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का निर्माण करेगा। तो स्टार्च से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बनना है, और स्टार्च 1-फॉस्फेट से जब तक ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं बनता तब तक परासरण दाब में परिवर्तन नहीं होगा। तो कैसे बनेगा, मतलब स्टोमेटा क्लोज कब होगा, स्टोमेटा ओपन कब होगा। स्टार्च से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनेगा फास्फो ग्लूको म्यूटेस एंजाइम की प्रेजेंस में। अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है फास्फोटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब क्या होगा, रेस्पायरेशन से O2 इंटर करेंगी, ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट एक बार फिर से बनेगा। तो यहाँ पर ATP ADP में चेंज हो जाएंगी। अब हम देखते हैं फिफ्थ एंड मोस्ट IMP थ्योरी, सोडियम पोटेशियम। फिफ्थ में देखेंगे सक्रिय पोटेशियम आयन या K+ परिवहन सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस प्रकार रंध्र खुलता है और बंद होता है। प्रकाश की उपस्थिति में द्वार कोशिकाओं में संचित मंड फास्फोनाइलेट पाइरुएट या PEP में बदल जाता है। सक्रिय पोटेशियम आयन यानी K+ परिवहन सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लाइट की प्रेजेंस में जो गार्ड सेल्स होती है, गार्ड सेल्स में जो संचित मंड होता है वो फास्फोनाइलेट पाइरुएट PEP में बदल जाता है। फिर क्या होता है, फास्फोनाइलेट पाइरुवेट जो है PEP वो PEP कार्बोक्सिलेज द्वारा CO2 से संयुक्त होकर क्या हो रहा है, फास्फोनाइलेट पाइरुवेट जो PEP है वो PEP कार्बोक्सिलेज द्वारा जो एंजाइम है, ये एक PEP कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में फास्फोनाइलेट पाइरुवेट CO2 से संयुक्त होकर ऑक्सीलो एसिटिक अम्ल बनाता है। अब क्या होगा, ऑक्सीलो एसिटिक अम्ल मैलिक अम्ल में परिवर्तित होता है। अब जो मैलिक अम्ल बना है वो मैलेट व H+ में टूट जाता है। H+ पोटियम द्वार कोशिकाओं के समीपवर्ती कोशिकाओं में चला जाता है। क्या हुआ था, मैलिक अम्ल मैलेट व H+ में टूटा था। अब क्या होगा, H+ जो प्रोटॉन द्वार कोशिका के समीपवर्ती कोशिका में चला जाएगा तथा उसके स्थान पर पोटेशियम
के प्लस आ जाते हैं, मतलब जो एस प्लस आयन जिस कोशिका में है वो उस कोशिका से दूसरी द्वार कोशिका में चला जाएगा और जिस स्थान पे पहले एच प्लस था वहाँ पर के प्लस पोटेशियम आयन आ जाता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे, आयन का विनिमय कहते हैं, क्योंकि यहाँ आयन विनिमय हुआ है, जहाँ एच प्लस था उसके स्थान पर के प्लस आयन आ गया है। आगे देखते हैं, पोटेशियम आयन मैलेट से क्रिया करके, जो पोटेशियम इंटर हुआ है वो क्या करेगा, इस बने हुए मैलेट से क्रिया करेगा और पोटेशियम मैलेट बनाता है। इसके फलस्वरूप द्वार कोशिका का पराशरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण समीपवर्ती कोशिकाओं से जल अंतः पराशरण द्वारा द्वार कोशिकाओं में आने लगता है। अब क्या हो रहा है, जब पोटेशियम आयन मैलेट से क्रिया करके पोटेशियम मैलेट बना गया, उसके बाद क्या होगा, द्वार कोशिका का पराशरण दाब जो है वो बढ़ जाएगा। पोटेशियम मैलेट बनने के पश्चात द्वार कोशिका का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो समीपवर्ती कोशिका है, द्वार कोशिका के समीप में दूसरी द्वार कोशिका है, उससे जल क्या होगा, अंतः पराशरण द्वारा द्वार कोशिकाओं में आने लगता है। आगे देखते हैं, जल अंदर आने के कारण द्वार कोशिका में स्फीति दाब बढ़ता है, जिससे रंध्र जो है वो खुल जाता है। अब देखते हैं रंध्र बंद होने की प्रक्रिया। रात्रि में द्वार कोशिका में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। रात्रि में क्या होता है, जो द्वार कोशिका होती है उसमें CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है रेस्पायरेशन के कारण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। तो CO2 जो है वो बढ़ जाता है, जिससे pH कम हो जाता है। CO2 के बढ़ने से pH मान कम हो जाता है, जिससे एब्सिसिक अम्ल या ABA कार्य करने लगता है। मतलब जब pH कम हो जाएगा तो एब्सिसिक अम्ल ABA कार्य करने लगेगा, जो के प्लस पोटेशियम आयन को अंदर आने से रोकता है। अब पोटेशियम आयन अंदर नहीं आएगा, मतलब एच प्लस के स्थान पर के प्लस नहीं आएगा, तो क्या होगा, ABA अम्ल द्वारा कोशिकाओं के अम्लीय माध्यम को अधिक अम्लीय कर लेता है। जो ABA होता है वो कोशिकाओं के अम्लीय माध्यम जो है उसे और अधिक अम्लीय कर देता है। अम्लीय माध्यम से कार्बोनिक अम्ल पुनः मंड में परिवर्तित हो जाता है। अब अम्लीय माध्यम है तो कार्बोनिक अम्ल जो होगा वो पुनः मंड में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे द्वार कोशिका की पराशरण सांद्रता कम हो जाती है, जिसे जल बही पराशरण द्वारा बाहर निकल जाता है। उसमें क्या हो रहा था, मतलब जब रंध्र खुल रहा था तब क्या हो रहा था, रंध्र अंतः पराशरण द्वारा अंदर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बही पराशरण द्वारा बाहर निकल जाता है, वह रंध्र बंद हो जाता है। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये 5 थ्योरी क्लियर हुई हो। अगर आप लोगों को ये नोट्स पूछता है, मतलब रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि पूछेगा, तो आप लोगों को ये 5 थ्योरी भी लिखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो में हर एक चीज़ क्लियर हुई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।